चावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ये कल मैच जीतते हैं ना, इनका रन रेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये टॉप थ्री में आ जाएंगे, क्योंकि क्वेटा के भी 8 है, इनके 6 है। क्वेटा का इनके बाद मैच है। इन केस गंदी क्रिकेट खेलने के बाद अगर क्वेटा हारती है तो जलमी एवरेज से आगे जा सकती है, क्योंकि 8 पे ही आएंगे, एवरेज भी अच्छा होगा अगर ये मैच जीतते हैं, और अगर क्वेटा हारती है, क्योंकि अब अगर वाला इफ एंड बट वाला चक्कर शुरू हो गया, और अगर कल कलंदर जीतती है तो ये भार नहीं है। अभी मैं आपको स्टिल बोल रहा हूँ, आखिरी 4 मैच तक चांसेस हैं। आप मैच जीतते हैं, आपका रन रेट भी सही होता है, फिर आखिरी 3 टीमों में जंग चलती है। कल हारते हैं तो ये फिर लाइन से बाहर हो जाए। तंदीर, आपकी क्या राय है पॉइंट्स टेबल को देखिए? पॉइंट्स टेबल मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अब जो पिंडी में मैचेस है ना, यहाँ पे बदल सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज तो एक वाजे नजर आती है, अगर लास्ट ईयर की तरह पिचेस हुई तो ये तो मुझे एक चीज शोर नजर आती है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछली दफा ये हुआ 5 और 15 रन बने थे मैच में, क्वेटा और मुल्तान के और क्वेटा के, पिशावर और क्वेटा के मैच में भी बहुत रन ठीक ठाक बने थे। अब दूसरी चीज मुझे ये नजर आती है कि बॉलर्स के लिए बहुत टफ टाइम शुरू होने वाला है, और जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, हो सकता है पिंडी के मैचेस में उनकी फॉर्म वापस आ जाए, अगर लास्ट ईयर टाइप की पिचेस हुई, ब्रेक ज्यादा ना हुआ, क्योंकि ग्राउंड बहुत तेज है इकबाल भाई ये वाला, आप टाइम करते हैं, गेंद इतना तेज जाता है, उसके बाद छक्के भी ठीक ठाक लगते हैं, तो ये चेंजिंग्स जो है मुझे नजर आ रही है। अब कल जिस तरह मैच खेला गया था ये कराची किंग्स को और क्वेटा का, आप देखें अगर कराची किंग ये मैच जीत जाती तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर आ जानी थी, क्योंकि दोनों के अभी 4-4 जो है वो पॉइंट है। तो इस जगह पे मेरे ख्याल में रन रेट को भी लोग देखेंगे कि हाई रन रेट आई, ज्यादा रन करें, जल्दी आउट करने की कोशिश करें, रन रेट भी बेहतर होगा। इस अब जो पिंडी के मैचेस है ना, इसमें हमें क्रिकेट जो है बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगी, सिवाय मुल्तान और क्वेटा के बाकी जो 4 टीमें सबका नेट रन रेट माइनस में है, तो अब ये कोशिश होगी कि अब नेट रन रेट को भी बेहतर किया जाए ना, क्योंकि अगर पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो फिर मुश्किल होगी ना। एक ये अब ऑलमोस्ट आधे मैच तो खेले, 5-5 2 टीमें जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, अब ये आधा हो गया, और मेन चीज ये है कि जो 2 ऊपर की टीमें ना वो कोशिश करेंगी कम से कम 1-1, 2-2 मैच खेल के टॉप 2 में आ जाए, ताकि फाइनल की अपॉर्चुनिटी ना छोड़े। जिस तरह क्वेटा भी क्रिकेट खेल लिए, ब्रिलियंट सर, बहुत अच्छी मोमेंटम में खेल लिए, बड़ा अच्छा बैलेंस है। मुल्तान बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेल लिए तो जीत रही है। उसके बाद तीसरी टीम कौन नजर आती है? तीसरी टीम का जो खाना है ना सर, वो अभी क्लियर नहीं है, मगर मुझे अब ऐसा लग रहा है जिस तरह बाबर आजम लीड कर रहे हैं पिशावर, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी बैटिंग से बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस मिल रहा है बाबर आजम जो है। अब तक अगर हम आपको दिखाएं तनवीर, तो सबसे ज्यादा रन अब तक बाबर आजम ने बनाए, 330 रन बाबर आजम ने स्कोर किए, और उनके बाद दूसरे नंबर पर रासी वैंडर डूसन है जिन्होंने 6 मैचों में 300 रन बनाए, रीजा हैंड्रिक्स मुल्तान सुल्तान्स के 286, फिर उसके बाद साहबजादा फरहान 239, जेसन रॉय 200। तो अगर इसको देखें जो खुर्रम कह रहे हैं कि बाबर आजम एक तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, फिर उनकी टीम की कारकर्दगी भी निस्बतन बेहतर है, तो आप समझते हैं कि पेशावर जलमी के चांसेस और बढ़ सकते हैं प्ले ऑफ में जाने। देखिए चांसेस पेशावर के जीतने के ये हैं कि अगर वो चेस रन्स चेस करने जाए, क्योंकि बॉलिंग में कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि ये कहीं ना दोनों मैचेस में देखें ना जो लाहौर में खेली पेशावर, बिल्कुल ये डिफेंड करना इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये देखना है कि मेहरान मुमताज जो स्पिनर है उसको इस जगह पे खिलाते हैं या नहीं खिलाते, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है यहाँ पे जब तक आपके 5 बॉलर्स पूरे नहीं होंगे आपको रन्स बचाने जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। बाबर की एक बात बोलता हूँ कि जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड में 100 वो करेगा, और बाकी जिस तरह मैंने बोला कि किसी भी टीम के जो प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है उनके भी हमें रन्स यहां नजर आएंगे। एचबीएल पीएसएल का आगाज 17 फरवरी को हुआ और जो आखिरी मैच था वो कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला गया। अगर इन मैचेस पर नजर डालें जो इस साल एचबीएल पीएसएल 9 में मैचेस खेले गए, अगर आप उनके चार्ट पर नजर डालें तो लाहौर कलंदर्स पहले ही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से 8 विकेटों से हार गई, ये तो दूसरा लगा दिया, ये तो मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे हैं। पहले आप नंबर 1 से शुरू करें प्लीज, नंबर 1 का जो पहला मैच था लाहौर कलंदर्स, फिर उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 16 रन से जीती, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स 55 रन से, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5 विकेटों से, मुल्तान सुल्तान जो है
वो जीती 5 विकेटों से। अच्छा अगर आप देखें खुर्रम और तनवीर के ज़्यादातर टीमों ने बाद में बैटिंग करते हुए कामयाबी हासिल की, जो टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि 16 मैच हो गए, ये 10 हैं अब छुए और आपको बताते हैं, क्योंकि 16 मैच टोटल हो चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। अभी इसके बाद जो है 6 मैचेस प्लीज़ लगा दीजिए। तो मुल्तान सुल्तान जो है वो 13 रन से जीती 8 रन से, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी जो 2 मैचेस कराची में हुए वो विकेटों से जीते। तो आप समझते हैं कि जो टीम भी टारगेट को चेस कर रही है वो ज्यादा उसका रेशो कामयाबी का ज्यादा है। इकबाल भाई यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेस करूंगा, टीमें वो चीज करवाने या करने में उनके अगेंस्ट कामयाब हुई जिनकी बॉलिंग वीक है। मुल्तान ने चेस नहीं होने दी, आप ये चीज चेक करें, जिनकी बॉलिंग बैलेंस है ना वो टीमें चेस नहीं करने दी। उन्होंने लो स्कोरिंग मैच भी डिफेंड किया और वो जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। एक मैच तो हारे ना वो अपने, नहीं हारे हाँ। देखे इतने बड़े टूर्नामेंट में एक आध मैच तो इस्लामाबाद से हारे थे ना मुल्तान वाले, मेरे ख्याल से उनसे हारे थे, और उसमें भी लैप्सिस बहुत हुए थे, जो कैच ड्रॉप हो गए थे, 4-5 कैच ड्रॉप हो गए थे और उन्हीं में से किसी एक आध ने रन किए थे। तो ज्यादातर उन टीमों को फायदा हुआ है अगेंस्ट चेस करते हुए जिनकी बॉलिंग वीक थी। तो जिनके पास बॉलिंग लाइन अच्छी है, जिनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, वो आपको चेस नहीं करने दे रहे भले वो लो स्कोरिंग पे आउट हो जाए। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा, जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग है या जिस तरह रिजवान कप्तानी कर रहा है, कोयटा की बहुत बेहतरीन बॉलिंग है, तो उनकी बॉलिंग आपको चेस नहीं करने देगी इतना आराम से। कैसे तनवीर देखिए, ये जो हम स्टैट्स देख रहे हैं ना, इसमें एक मैच 2 मैचेस ऐसे हैं, एक ये मुल्तान सुल्तान जो जीता 55 रन से, इसके अलावा अगर दूसरी उस पे चार्ट पे हम जाएंगे तो उसमें मुझे लगता है 50-60 रन शायद लिखे हुए, उतने मैचेस से जीता है, मार्जिन ज्यादा नहीं है। 8 रन से कोई जीत रहा है, 16 रन से कोई, 2 रन से कोई, 3 रन से, इसका मतलब ये है कि जो भी टीम डिफेंड कर रही, जो भी टीम जीत रही है बड़ी मुश्किल से जीत रही है। अब उसमें जो टीमें हार रही हैं, जो 2-2, 4-4, 6-6 रन से हार रही हैं, उसमें आप हर मैच में उठा के देख लें, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स किए हैं, गलत शॉट्स खेले होंगे, मैच लेके कुछ प्लेयरों ने चलना होगा, वो पार्टनरशिप नहीं लग रही। तो ये जो परसेंटेज है ये मुझे नहीं लगता ये पिंडी में ये सब कुछ होगा। पिंडी में जो टीम रन चेस करने जाएगी उनकी ज्यादातर जो चांसेस होंगे वो मैच जीतने के होंगे। और मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर से जीती है 13 रन से, फिर उसके अलावा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिशावर जलमी के खिलाफ जो है पिशावर जलमी जीती है, और मुल्तान वहाँ 8 रन से, ये 8, 8 और 13 रन, आप सही कह रहे हैं कि जो अगर देखा जाए खुर्रम तो मार्जिन जो है विक्ट्री का कोई ज्यादा रन का फर्क नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड बेस रीजन है, हम सबके दिमाग में लास्ट ईयर की लाहौर की, लास्ट ईयर की पिंडी की, लास्ट ईयर की कराची की पिचेस जहन में है। लास्ट ईयर हाई स्कोरिंग गेम हो रहे थे इन तीनों वेन्यूज पे, इस दफा लाहौर में भी हाई स्कोर, लाहौर में तो बने नहीं, एक मैच में पहले तो हो रहा था ना 200 ही हो रहे हैं भाई, बचने बचना मुश्किल है तो चेस कर लो। इसी तरह अभी पिंडी का कल देखेंगे कि एक्चुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई स्कोरिंग गेम 225-225 बॉल की लाइन में आए और फिर आप बैट्समैन के मजे हैं जी, बॉलर बच रहा है, वो चीज कल दिखती है नहीं दिखती, क्योंकि कराची में भी स्लो पिचेस मिली, कजाफी में भी वो पिचेस नहीं थी जो होती है, हाई स्कोरिंग गेम लोग इंटरटेन कर इंजॉय कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। और उम्मीद करता हूं